ये रहा मेरा एक्स ब्रो, तेरा जीरो कहाँ ड्रॉ करूं? एक बड़ा सा जीरो ना मेरे मार्कशीट पे आने वाला है। सब ये देख रहे हैं कि तू इंजर्ड है, कोई ये नहीं देख रहा है कि तू इतना बड़ा टूर्नामेंट जीत कर आया है। बी पॉजिटिव ब्रो। विद्युत, कभी हर्षद अंकल ने अपने सारे पैसे स्टॉक मार्केट में खोए हैं? बहुत बार। बस बस वही फील हो रहा है मुझे अभी। मेरा पूरा साल वेस्ट हो चुका है, मैं कैसे पॉजिटिव रहूं? आई अंडरस्टैंड ब्रो, पर ब्रो जिस साल मेरे पापा नुकसान करते थे ना, उसके अगले साल पापा ट्रिपल प्रॉफिट कमाते थे, पता है? अगर इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे देना, ताकि मैं पीछे रह जाऊं और तुम लोग सब आगे निकल जाओ। मुझे ना एग्जाम रिपीट करने से ज्यादा मैंने डैडी को डिसअपॉइंट कर दिया, उसका दुख है, उनका ट्रस्ट भी तोड़ दिया मैंने। डोंट वरी ब्रो, जैसे तेरा हार्ट ठीक हो जाएगा वैसे तो अपने डैडी का ट्रस्ट जीत लेगा। तू कौन से घटिया मोटिवेशन स्पीकर की वीडियो देख के आया है? बाबू कटिंग। ये बाबू कटिंग कौन है? तूने बोरीवली स्टेशन के पास बाबू कटिंग हेयर सलून देखा है? नहीं। उसके ओनर है, उनके पास ना दाया हाथ नहीं है तो अपने बाएं हाथ के लोगों के बाल काटते हैं। उनकी फिलॉसफी है अगर दाया हाथ नहीं तो बाया ही सही, फुल कप चाय नहीं तो कटिंग ही सही। जो चीज नहीं है उसके लिए रोना मत, जो चीज है उससे काम चला। क्या बोले जा रहा है? मेरे पास दो हाथ है, एक हाथ मेरा टूटा हुआ है और दूसरा हाथ। उससे काम चला। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है, सॉरी, मुझे आपसे ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, लेकिन अब गिल्टी फील करके क्या फायदा, तुम एग्जाम तो दे नहीं पाओगे। मैं एग्जाम दे सकता हूँ। कैसे? मेरे लेफ्ट हैंड से लिख के। इम्पॉसिबल है अथर्वा। मम्मी, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तुम राइटी हो। आई नो मम्मी, पर एग्जाम के लिए दो हफ्ते बाकी है, मैं दो हफ्ते में लेफ्ट हैंड से लिखने की ट्रेनिंग लूंगा और फिर एग्जाम तो मैं दूंगा ही पर अच्छे मार्क्स भी स्कोर करूंगा। सीरियसली? अच्छा अच्छा, ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले तू खाना खा ले। एक मिनट सेकंड। प्लीज एक मिनट। तुम सब करो मुझे। डैडी ये कैसे? नहीं, इसने कहा ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, सो अगर लेफ्ट हैंड से एग्जाम लिखनी है तो फिर लेफ्ट हैंड से अपने आप को सर्व करो। शुभकामनाएं देरी की। कम ऑन स्टार्ट। पूरा एक मिनट लगा तुम्हें दाल चावल और रोटी सर्व करने में, जो नॉर्मली तुम 20 सेकंड में कर लेते हो, और जितनी दाल तुम्हारे कटोरी में ना उससे ज्यादा दाल तुम्हारे प्लेट पे गिरी है। कैसे लिख पाओगे एग्जाम लेफ्ट हैंड से? हाँ बेटा, दोपहर को मैंने जो कुछ कहा हो उसके लिए आई एम सॉरी, आई थिंक आई ओवर रिएक्टेड, लेकिन मैं परेशान तुम्हारे लिए, तुम पर गुस्सा नहीं, जो हो गया सो हो गया। इट्स कमेंडेबल कि एटलीस्ट तुम लिखना चाहते हो एग्जाम। प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, ओ जस्ट फॉरगेट अबाउट मार्च, ओके अक्टूबर में एग्जाम दे रहा हूँ, सही? इसके लिए फ्रेश प्रेड बनाओ। Thank you.
अंजन, क्या टाइम हुआ? 6 मिनट. जिस आंसर को लिखने के लिए 2 मिनट लगने चाहिए, उसे लेफ्ट हैंड से लिखने में तुम्हें अभी भी 6 मिनट लग रहे हैं अथर्व. और ये क्या है, कैसी हैंडराइटिंग है, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा. कोई बात नहीं, मैं एक और अटेम्प्ट करता हूँ, दूसरी बार में हो जाएगा. अथर्व, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हारी जिद है. मुझे लगता है तुमने राजू की बात मान लेनी चाहिए. तुम मार्च के एग्जाम के बारे में सोचना छोड़ दो और अक्टूबर के एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट करो. उसकी कोई जरूरत ही नहीं है. अथर्व एग्जाम देगा और वो मार्च में ही देगा. क्या? सब समझाता हूँ. राजू, अब जो हुआ उसको मैं बदल तो नहीं सकता. अगर तुमने अपना रवैया बदल लिया होता ना, तो ये नौबत ही नहीं आती. मैं जानता हूँ मैंने जो किया वो गलत किया, मैंने झूठ बोला, धोखा दिया. मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ. लेकिन मैंने जो भी किया वो छोटे के लिए किया. मैं छोटे से बहुत प्यार करता हूँ और उसका सपना था कि वो स्कूल के लिए एक आखिरी मैच खेले. मैं उसका सपना पूरा होते हुए देखना चाहता था. राजू, दादा, मैंने और बंधु ने भी एक सपना देखा था कि अथर्व ने जो साल भर मेहनत की है उसका हमें फल मिले. अरे बिल्कुल मिलेगा. मैं छोटे की मेहनत पे पानी फिरने नहीं दूंगा. देख, मैं उसके स्कूल गया था ताकि मैं प्रिंसिपल मैडम से मिलूं और उनसे माफी मांगूं. तो उन्होंने मुझे बताया कि एक रास्ता है जिसे अथर्व मार्च में एग्जाम दे सकता है. क्या मतलब, कौन सा रास्ता? अथर्व की जगह कोई और एग्जाम देगा. वाह वाह, क्या बात है. मतलब इतना काफी नहीं था, अब अथर्व के आईडी पर कोई और अपीयर करेगा. अरे मैं चीटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ. देख, जो बच्चे फिजिकल इंजरी या स्पेशल नीड की वजह से एग्जाम नहीं लिख पाते, उनके लिए स्कूल राइटर्स अपॉइंट करती है. अरे हाँ, ये बात मेरे दिमाग में कैसे नहीं आई अभी तक. मतलब होगा यूं कि अथर्व सारे स्टूडेंट के साथ नहीं बल्कि अकेले एग्जाम देगा. एग्जैक्टली. मतलब सवालों के जवाब अथर्व ही देगा, लेकिन लिखेगा वो राइटर जो स्कूल ने अपॉइंट किया. सच? 100% सच. और अभी तुम लोग जल्दी चलो. राजू तैयार हो? यानी आप भी चलो. हाँ. मैडम ने जल्दी स्कूल में बुलाया हुआ है, तू जल्दी तैयार हो. भाई बैठा क्या है, चलो चलो चलो. यूनिफॉर्म पहनो. हाँ हाँ, मैं फोन करता हूँ. मैं पर्स लेकर आती हूँ. चलो. बिलीव कि तुमने ऐसा किया है. अथर्व, यू आर सच अ ब्राइट स्टूडेंट. आई एम रियली सॉरी मैम. मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन भी ले सकती थी, बट स्टिल आई लेट यू गो. मैम, वो मनोज दादा कह रहे थे कि आप अथर्व के लिए एक राइटर भी प्रोवाइड कर सकती हैं एग्जाम्स के लिए. मिसेस वागले, एंड मोमेंट पे इस तरीके से राइटर मिलना बहुत मुश्किल होता है. बट फॉर्चुनेटली एक लड़का है जिसने अथर्व का नाम सुनते ही सामने से वॉलंटियर किया है उसका राइटर बनने के लिए. जस्ट सिंपल, प्लीज सेंड हिम इन. मिस्टर एंड मिसेस वागले, मैं आपको एक बात बता दूं, इस तरीके के सर्विस के लिए राइटर्स यूजुअली पैसे चार्ज करते हैं. और पैसों की बातचीत डायरेक्टली स्टूडेंट के पेरेंट्स राइटर के पेरेंट्स के साथ ही तय करते हैं. तो नहीं नहीं, इसमें स्कूल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. मैं ये कह रहा हूँ कि पैसों की चिंता मत कीजिए, जो भी है हम मैनेज कर लेंगे. यस मैम. Here is. Good morning, ma'am. Good morning, Vaibhav. Please come in. Mm-hmm.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.